हाय फ्रेंड्स, एमवीएस ब्रदर में आप सभी का स्वागत है। वैसे आज हम रिएक्शन करने वाले डीसी की मच एवेटेड मूवी द फ्लैश, इसका सेकंड ट्रेलर आ चुका है, तो हम उस ट्रेलर का रिएक्शन करेंगे। वैसे ये मूवी 16 जून को आने वाली है, तो कॉमिक कॉन इवेंट में इस मूवी को दिखाया गया है और उसी इवेंट में इस ट्रेलर को भी दिखाया गया था, तो इसे ऑनलाइन रिलीज करा गया है द फ्लैश इसका सेकेंड ट्रेलर। तो उसका हिंदी ट्रेलर पे आज हम रिएक्शन करने वाले, तो देखते हैं इस सेकेंड ट्रेलर पे ट्रेलर में क्या क्या नई चीजें ऐड करी गई है। वैसे मैंने इसके फर्स्ट ट्रेलर पे भी रिएक्शन करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेकआउट करिए और हमें जरूर बताइए उस पे रिएक्शन हमारा कैसा लगा आपको। तो देखते हैं इस सेकेंड ट्रेलर में क्या है। तो इसका हिंदी ट्रेलर पे आज हम रिएक्शन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। मैंने भी अपने माँ बाप को खोया है। वैसे इसमें 1980s का बैटमैन हमें देखने को मिलेगा, उसी दर्द की वजह से 90s का। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने अतीत को सुधारने की कोशिश में लगा दी, जैसे कि जुर्म को मिटाने से मेरे माँ बाप लौट आएंगे। तुमने वाकई कर दिखाया। मैं सोच भी नहीं सकती तुम पे क्या बीती होगी। आई लव यू मंकी। एक ही दिन में तुमने दोनों पेरेंट्स खो दिए। बैरी, 911 पे कॉल करो अभी। मैं अपने पेरेंट्स को बचाने वक्त में पीछे गया था, पर उसके साथ मैंने पूरा यूनिवर्स बिगाड़ दिया। अगर तुमने जाके गुजरा वक्त बदल दिया, इस दुनिया को मिटना होगा तो आने वाला कल भी बदल दोगे। इस निशान का मतलब क्या है पता है? इसका मतलब उम्मीद है ना? मैं जोर से लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगर वो सन की है तो मैं उसका बाप हूं। इस जून मुझे अपना किया बदलना होगा। बैरी, अगर वो जख्म नहीं मिलते तो हम नहीं होते। अतीत को छेड़ना हमारा काम नहीं है। उस हादसे को खुद पर हावी मत होने दो। ये क्या कर दिया तुमने? कितनी भी कोशिश कर लें, हम ये सब ठीक नहीं कर पाएंगे। नहीं, कोई नहीं मरेगा। द फ्लैश। तुम्हारे बेल्ट्स में पैराशूट लगे हैं। और तुम्हारा क्या है? जल्द सिनेमा घरों में। वैसे हमारा इस ट्रेलर पे रिएक्शन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे ट्रेलर काफी बढ़िया था इसका, तो देखते हैं मूवी आने की बात क्या होता है। वैसे डीसी का ये मल्टीवर्स होने वाला है, इस मूवी के थ्रू ही उसका मल्टीवर्स हमें दिखेगा। वैसे हमें मार्वल का तो आने वाले फेजेस में दिख ही रहा है मार्वल का, तो उसी तरह इस डीसी का भी दिखने वाला है। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, और बेन एफ्लेक इसमें लास्ट टाइम अपीयरेंस उनका रहने वाला है, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। तो इससे इसमें जो माइकल कीटन का जो बैटमैन है वो काफी बढ़िया लगा मुझे, और उन्होंने भी काफी कुछ एक्शन सीन्स करे हुए इस मूवी में। तो देखेंगे मूवी आने की बात क्या होता है। वैसे 16 जून को ये मूवी आने वाली है। वैसे इस ट्रेलर से तो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो देखते हैं मूवी आने की बात क्या होता है। वैसे हमारा इस पे रिएक्शन आपको कैसा लगा जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।